हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कैसे अपनी ब्रूज में देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी हमें अपनी ड्रिंक्स में अल्कोहल कंटेंट के बारे में बताती है। हम इसे दो इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जान सकते हैं। पहले एक है हाइड्रोमीटर। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है जो कुछ इस तरह से दिखती है। वैसे तो ये थोड़ी नाजुक होती है, लेकिन इसकी साइड्स में रीडिंग्स लिखी होती हैं। इसे लिक्विड में डाला जाता है और जिस लेवल पे ये फ्लोट करता है वो बताता है हमें हमारी ग्रेविटी। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है एक रिफ्रैक्टोमीटर। ये भी सेम काम करता है, लेकिन इसको लिक्विड में डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ 2 से 4 बूंदों में ही ग्रेविटी बता देता है। यहाँ मेरे पास है एक जग पानी से भरा, तो चलिए करते हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स से टेस्ट। मगर पहले मैं हाइड्रोमीटर, उसकी ट्यूब और ड्रॉपर को सैनिटाइज कर लूँगा। अगर आपको जानना है कि अपने इक्विपमेंट्स को कैसे सैनिटाइज करते हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिए। तो अब मैं सब कुछ सैनिटाइज कर चुका हूँ और अब इस सिलेंडर को पानी से भर दूँगा। याद रखिए कि थोड़ा ऊपर जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो पानी फैल जाएगा। पानी की ग्रेविटी होती है 1.000 और जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोमीटर में भी सेम दिखा रहा है। अब इस सिलेंडर को करेंगे साइड और मैं एक बार रिफ्रैक्टोमीटर को पहुंच लूंगा। अब ड्रॉपर में बस थोड़ी सी ही ड्रॉप्स लूंगा पानी की, और रिफ्रैक्टोमीटर के आगे वाले पार्ट में जो ब्लू कलर का है वहां डाल दूंगा। अब इसका लिड बंद करके इसे लाइट के आगे देखूंगा तो सेम ग्रेविटी दिख रही है। चलिए अब ग्रेविटी बढ़ा देते हैं और फिर चेक करते हैं। मैं पानी में थोड़ी चीनी मिला दूंगा। थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा जब तक ये चीनी घुल रही है। अपनी इनिशियल ग्रेविटी या ओरिजिनल ग्रेविटी होती है जो फर्मेंटेशन से पहले होती है, और जो फर्मेंटेशन के बाद ग्रेविटी होती है उसे कहते हैं फाइनल ग्रेविटी। ओरिजिनल ग्रेविटी हमेशा ही फाइनल ग्रेविटी से ज़्यादा होगी। थोड़ी सी चीनी नीचे बाकी है, पर कोई बात नहीं, अपन टेस्ट कर सकते हैं। सेम पिछली बार की तरह मैं इस सिलेंडर में पानी डाल दूंगा। अब देखिएगा कि हाइड्रोमीटर में रीडिंग दिखा रहा है 1.047। तो चलिए रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टोमीटर में भी 1.047 आ रहा है। अल्कोहल चेक करने का फॉर्मूला अभी मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि एक हाइड्रोमीटर से टेस्ट करने के लिए कितना सब लिक्विड और इक्विपमेंट चाहिए होता है। अगर आप एक बहुत स्ट्रिक्ट बजट पे नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक रिफ्रैक्टोमीटर के लिए जाएं, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ एक हाइड्रोमीटर तो ले ही लीजिएगा। ग्रेविटी चेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है।